इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ माय एविक्शन पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मी, और मन में हंस रहा था यू नो, अगर फारूकी के अलायंसेस नहीं हो, अगर उसने लोगों को अपने झांसे में नहीं लिया हो, तो आपको लगता हो शांति से बैठ पाता बिस्तर पे? खाली पहली जो मेरा एंट्री नाइट था एंड द डे आई एंटर, उसी दिन मैंने सबसे बात की थी टू अंडरस्टैंड सो दैट आई कैन प्ले माय गेम. मैं उधर आया था कुछ और पर्पस से. आप लोगों को मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है कि भाई बाहर एक ही नाम दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को ब्लाइंड फोल्डेड रहे तो बॉस, देन ओनली गॉड कैन सेव यू. लेकिन भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की करता. हेलो विनीत, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी. हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू. एंड बहुत शॉर्ट स्टे रहा आपका अंदर, जब आपने एंट्री की थी घर के अंदर, इट वॉज यू नो काफी धमाकेदार कह सकते हैं, बट थिंग्स चेंज्ड. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वेंट रॉन्ग? ओके, आई विल टेल यू. सी, क्या होता है व्हेन आप शुरू से कोई भी रियलिटी शो में जाते हैं तो यू ऑलवेज हैव एन एडवांटेज कि आपके अलायंसेस बन जाते हैं, आपकी बॉन्डिंग्स हो जाती है, यू नो सब कुछ हो जाते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं. मैंने एंटर किया था लॉकअप फिफ्थ वीक में, जब तक यू नो एवरीथिंग वाज डन. और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर दो दोस्त भी हो या दो दुश्मन भी हो अंदर, वो कोई न्यू कमर को देखते हैं ऐसे फॉर्मेट में, तो उन लोग बोलते हैं कि चलो अपनी दुश्मनी हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, लेट अस फर्स्ट गेट द न्यू कमर आउट, बिकॉज इवेंचुअली ये गेम शो जितना एक ही को है. सो दैट वॉज द ओनली रीजन फॉर मी, यू नो the only disadvantage. If I had to enter the show right from beginning, end game would have been something else. Yeah. As a wild card, if you want to survive in the house, you have to perform each and every time. Like when I started my, you know, journey in lockup, there was a task, you know, burning of calories. So I was the only one from my team, you know, who did two tasks back to back. And I excelled in both. I was a topper in that thing. And that is the time I realized, and I somewhere deep down, I knew that I have to keep on doing this. So, uske baad phir agla task hua, usme saadi ka kuch tha, usme mera kuch great role tha nahi. Luckily, agar pehle mein agar aisa kuch hona hota na ki mereko charge sheet mein aa jata, to mereko pehle week mein sab dal bhi dete hain. Aur मैं पहले वीक में भी निकल सकता वो तो लकीली बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंसेस आई वाज इन द गेम. एंड जो लास्ट वेडनेसडे अरीना हुआ, उस अरीना में जैसे आई लॉस्ट टू जी जीशान से, मैं हारा था वो टग ऑफ वॉर में, वेडनेसडे इटसेल्फ समवेयर इन द बैक ऑफ माय माइंड आई वाज यू नो समवेयर आई रियलाइज कि बॉस नाउ अगर मेरे लॉकअप में टिकना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अ वाइल्ड कार्ड has to perform each and every time, which is not, it is not realistic, neither it is practical. Yeah. So, वो हो गया. And plus, जैसे कि मैंने कहा कि alliances were made. And see, of course, my entry was great. It was, you know, on a high. I entered, you know, the मेरे को पहला मौका मिला, you know, पहला मौका मिला, and I got Bora out. On the second day of my entry, that was something in my mind. और उसके बाद में मैं टीम ब्लू में ही गए. I went to team blue. अगर मैं चाहता तो टीम ऑरेंज में जा सकता था, because अब मैं सेफ खेल सकता. Yeah. Strategy was something else, you know. My strategy was to get into the team blue, make my alliances there, and then you know break those alliances so that फारूकी जो आराम से बैठा हुआ है शो में अपने alliances बना के, उसको threat हो सकता था. एंड समवेयर फारूकी ऑल्सो रियलाइज यू नो कि ओके he's come with a plan. तो चलो जब तक वो प्रोसेस ऑन ही था तब तक अगेन बोरा गॉट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑन द फॉलोइंग सैटरडे. सो यू नो दैट वाज वन बोलते ना नेल इन लास्ट नेल इन द कॉफिन. एंड अलोंग विद बोरा ऑल्सो साइशा केम इन लॉकअप अगेन. एंड उन लोगों ने मेरे गेम प्लान देख लिए थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, क्या चल रहा है, सब देख के आया. बोरा केम इमीडिएटली ही टोल्ड मी दिस कि झाड़ को झाड़ फारूकी एक पेड़ था, वो झाड़ बन गया और झाड़ को काटने के लिए जड़ को काटना पड़ता है. एंड बोरा वॉज द जड़ फॉर मी, दैट वॉज द प्लान.
बोरा ने पूरा मगअप करके आया था. सो मैं समझ गया बोला बॉस. एंड उसके बाद फॉर मी इट वॉज वेरी क्रिटिकल टू विन ईच एंड एवरी टास्क. और जो मेरा अरीना हारना हुआ और उसके बाद देन यू नो समवेयर डीप डाउन आई रियलाइज बॉस कि अभी मैं पत्थर पे सर फोड़ूंगा नहीं. मैं किससे क्या अलायंस बना लूंगा. जैसे कि मैंने कहा है एवरीबडी स्पेशली टीम ब्लू लाइक पीपल इनसाइड द लॉकर हु आर इन टीम ब्लू दे आर यू नो फारूकी हैज ब्लाइंड फोल्डेड देम. यू नो दे डू एज व्हाट फारूकी सेज. फारूकी ने बोला ऐसा करो तो वो करते हैं. कंगना किरणी तुम तो यार जिस तरह पड़े रहते हो ये वो. सो इन दैट केस अगर मैं हॉस्पिटल जैसा फील दे रहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूं तो फारूकी तो ऐसा लग रहा था कि आईसीयू में. वो तो अपने बेड से हिलता नहीं था. सो बिकॉज उसको हिलने की जरूरत भी नहीं थी. लेट इट बी अंजलि, लेट इट बी पूना, लेट इट बी साइशा, लेट इट बी आजमा, लेट इट बी अली, सब तो उसके हिसाब से काम कर रहे थे. लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं. Only bond I could make was with Zeeshan. That Zeeshan was from Team Orange. अगर आपने realize किया रहेगा जब मुझे charge sheet में डाला गया था, so very conveniently I was told by Faruqi कि विरित भाई हम सब आपको वोट दे देते हैं. ठीक है, वैसे सामने से वोट मिलने वाले हैं. आप charge sheet में वैसे भी आओगे तो हम क्या करते हैं, सब तीर आप अपने पे ले लो. And so that we can save you on the judgment day. अब मैंने हाँ बोला था. क्यों मैंने हाँ बोला, क्योंकि अगर मैं ना भी बोलता तो वही होना था. बिल्कुल. As I said, लोग जो अंदर हैं, they were blindly following Faruqi. So मैंने इसलिए हाँ बोल दिया कि चलो this could be a saving grace for me कि भाई तेरे हाँ बोलने पे मैंने हाँ बोला. If I have been cooperating with you and I was okay with this decision, so I want you to return the favor on the given day. So that is why I said yes. When Kangana even said कि विनीत को ही तुमने charge sheet में डलवा दिया, जब मैंने कंगना से कुछ कहा नहीं, क्योंकि you know any which ways I was like content wise or the task wise I was at the bottom. So unnecessary to rub it further and to you know make my point कि you know नहीं नहीं मैं ऐसा कर सकता था वैसा कर सकता. When I know I'm fighting a lost battle. Anybody in my shoes. और फिर और एक चीज ये भी है कि you know I don't have a habit to, you know, get into somebody else's fight and just put my opinion. That is not my style, you know. But Vinit, आपको कहीं लगता है कि, you know, you chose Team Blue और उसके पहले ही आपने KV को निकाल दिया था. कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि blindly तीन लोग तो blindly मुनावर को follow कर रहे थे. उन लोगों ने आपको हमेशा sideline रखा. भले ही Blue Team थी, but Blue Team के अंदर एक team थी जो हमेशा सारे स्कीम्स प्लॉटिंग्स यहाँ तक कि अपने टीम मेंबर्स को चार्जशीट में डालना ये सब तीन लोगों के बीच में ही डिस्कस होता था. जिसमें से भी दो मेन थे, थर्ड वाज अ यू नो शी वाज बीइंग यूज्ड इन द ट्रायो एज अ साइड किक. पूनम के तरफ से लॉयल फ्रेंडशिप थी लेकिन हमेशा उनको कहीं ना कहीं यूज किया गया यू नो कि हमारे साथ एक वोट एक्स्ट्रा है. तो आपको लगता है कि आपको स्टार्टिंग से इन लोगों ने बाहर रखा जानबूझ के और आपको अंदर इन्वॉल्व नहीं होने दिया? 100% जैसे जीशान जब ऑरेंज में गए तो उनको कम्प्लीटली विथ ओपन आर्म्स यू नो एम्ब्रेस किया गया, उनको टीम मेंबर समझा गया. लेकिन आपको यू नो एज अ नंबर ट्रीट किया गया, कभी भी आपको टीम मेंबर नहीं समझा गया. एग्जैक्टली, यू नो दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू. और लिखिए इसके अंदर आई टुक अ हाई रिस्क. आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी एल्स बट आई वुड लाइक टू ब्लेम मायसेल्फ. कि लेकिन देन अगेन आई सेड अगर मुझे सेफ ही खेलना होता, इफ इट वाज अबाउट प्लेइंग सेफ, सो मैं यू नो ऑरेंज टीम में जा सकता था. बट आई हैड सम डिफरेंट गेम प्लान. माय गेम प्लान वाज डिफरेंट, यू नो इट वाज नॉट कन्वेंशनल कि सामने जाके सामने से लड़ूं. जब मैं गेम में जाने ही वाला था तो I had two prime targets, you know. One was Bora and one was Faruqi. Agar main open declare war, if I had to declare, you know, open war, ki okay, fine, I'm against you, to wo bada conventional ho jata aur main radar pe aa jata directly. Mujhe wo nahi karna. So that is why I got Bora out and I went into their team. And
I thought somewhere, you know, ki I will be able to, you know, have a alliance with, you know, with the team members. Yes. Besides Faruqi. Lekin, you know, in the due process, what I realized that boss, aisa nahi hai ki uske sun rahe. Aisa lag raha tha ki they are his blind followers. Ek samajhte hain? Yeah. जैसे कि मैंने कहा ब्लाइंड फॉलोवर्स अगर वो बोल देना ये अभी शाम के 6 बज रहे हैं भले दोपहर के 2 बज रहे होंगे सब हां हां कर या पत्थर की लकीर हां मतलब स्पेशली अंजलि मतलब मैं बोला बॉस ये हो क्या गया सो और लेट इट बी एनीबॉडी यू नो इट्स नॉट दैट आई डिड नॉट ट्राई टू टॉक टू एनीवन आई स्पोक टू एवरीवन आई स्पेंट टाइम विद एवरीबॉडी यू नो ही लेट इट बी अंजलि लेट इट बी पूनम लेट इट बी शिवम Let it be Asma later on, जब Asma को bidding में आ गई थी और साइशा की तो मैं कहानी सुन के ही बैठा हुआ था कि she is, you know, she is in love with Faruqi. So it was, you know, quite obvious कि या तो task में जीतो हर task जीतते रहो और task में जीतने के बाद fight for your right to get into that whole घर वो भी एक दूसरा challenge था मेरे लिए but challenge number one was I should win all the tasks and let me tell you that's not practical and real you know that you, every time I cannot go on winning you know agar aap mera calorie burning dekhiye aur rings fekne wale bhi jo task the shivam ne 2 rings dale the maine 3 rings dale so over there also you know I was I performed fir wo jo gunny bags uthane the abhi gunny bags mein Sasha stood till last and I will hats off to her ki she stood till last lekin fir साइशा के बाद मैं ही था जिसने गर्नी बैग ज्यादा टाइम पकड़ के रखे थे लेकिन फिर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं 10 मिनट और गर्नी बैग पकड़ के खड़ा भी रखता तो कुछ होना नहीं था क्योंकि जो सामने की टीम थी दे वर स्टिल होल्डिंग सिंगल गर्नी और एक एक बंदे ने एक गर्नी पकड़ के दे वर कंफर्टेबली स्टैंडिंग हमारे पे लोड बढ़ गया बिकॉज Asma एज वेरी यू वेरी वेल नो शी इज नॉट परफॉर्मड एनी टास्क वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी अनलेस इट वॉज मैंडेटरी तो जैसे कि मैंने कहा यू नो इट इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग इन टास्क लॉट ऑफ पीपल पूनम ने दोनों अरेना में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन अभी भी घर के अंदर है सो इट इज अबाउट यू नो कि मैं किसी को एक को किसी एक के आगे Faruqi के आगे सरेंडर हो जाऊं कि हाँ भाई ऐसा करते मैं दैट इज नॉट मी आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड रादर आई कंट्रोल आई लव टू कंट्रोल आई लाइक टू मेक माई अलायंसेज लाइक अगर आपने देखा जिशा मेरे साथ एंटर किया था और विद इन कपल ऑफ डेज I had a good, you know, bonding with Zishan. And because of Zishan, I even got, you know, bonded with Mandana. And Pura Bat Ali, though Ali was playing, Ali thode time ke baad, Ali ko maine hi bidding karke apne team mein liya tha, Faruqi ko force karke. And Faruqi was even upset on my call. Aur baat maine Ali ko boli bhi thi. But what I realized ki within some days, you know, Ali surrendered it to Faruqi. He became like Faruqi's one more added follower. So that is where, you know, I last few days now after the loss of Arena, I almost gave up. मैंने बोला boss, you know, अब अगला Arena आएगा उससे पहले judgment day और मैं समझ गया था, you know, कि everybody, any which ways, Team Orange was not a huge fan of mine. क्योंकि उसमें बोरा आ गया था वापस. And Shivam तो बोरा को अपना माँ बाप सब कुछ समझता है, दिन में चार बार उसके पैर पड़ता है वो. So I was like, oh man, you know, वहाँ से भी orange team से भी मुझे support मिलने वाला है नहीं. So mentally I was, you know, prepared कि you know this thing my sustaining in the lockup won't last for long. मैं जब समझ गया. And Vineet, Vineet, जिस तरीके से बोरा जब out हुए थे सब लोग गंगा जमुना सरस्वती ऐसे बहा रहे थे जैसे उनका कोई घर का family member चला गया. लेकिन जैसे ही वो वापस आए Faruqi के रेडार में सबसे नंबर वन पे करणवीर बोरा थे. कल के एपिसोड में हमने देखा कि जीशान अंजलि ये लोग बैठ के कैरेक्टर असैसिनेट तक कर रहे हैं. मंदना ने तो ये तक कह दिया है कि बाहर इसने मुझे कई बार घर पे स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुलाया लेकिन मैं जाती नहीं बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट हिम. तो आपको क्या कहना है कि ये जो सब प्यार मोहब्बत जो उनके इविक्शन पे दिख रही थी जो आंसू दिख रहे थे बोरा के आने पे भले ही लोगों ने खुशी दिखाई हो लेकिन अगले ही पल से लोगों को ये लगने लगा कि बोरा पूरा प्लान लेकर आए हैं और जो उनका बॉन्ड सबके साथ था वो फेक था वो तो गेम के मोटिव से आए हैं. व्हाट डू यू वांट टू से वो सब दिखावा था. 100% दिखावा था. यू नो व्हाई आई से दैट आई विल टेल यू इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ माय एविक्शन
पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मी, मैं मन में हंस रहा था, यू नो, मैं बोला था मैं तुम लोगों को क्या समझा, यू गाइज आर गेटिंग यूज आर बींग यूज बाय फारूकी, वो जैसे जैसे उसका मतलब सिद्ध होगा वो आप लोग को एक एक करके निकालता रहेगा शो से. That was quite understood. ये लॉकअप का ट्रॉफी एक ही लड़का या लड़की जीतेंगे, ये कोई टीम जीतने वाली नहीं है. So, मैं, जैसे मैंने कहा मैं शुरू से सेफ खेल सकता था, मैं किसी को भी, पूनम को या शिवम को किसी को भी टारगेट बना सकता था, बट दैट्स नॉट माई स्टाइल. मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मैं देख के जा रहा हूं कि दिख तो सब रहे हैं लेकिन नाम एक ही चल रहा है बाहर, और ये मैंने फारूकी को उसके मुंह पर बोला है. एवरी टाइम आई वॉज द ओनली वन हु वेंट अगेंस्ट फारूकी. जब फारूकी ने अपने ऊपर लिया था चार्जशीट, उसने बड़े कन्वीनियंटली अली पे सबने नाम डाल दिया था, अली अली. आई स्टूड फॉर अली, इसलिए नहीं कि मुझे अली से बहुत प्यार है, आई वॉन्टेड टू नो ब्रेक दैट नॉनसेंस कि बॉस ये कौन होता, कौन है बोलने वाला कि ये बोले हो जाएगा. आई स्टूड नेक्स्ट टू अली, आई टोल्ड हिम नो अली इज वीक, एंड दैट इज व्हाई फारूकी ने भी छुपे मना कर दिया था, पूनम ने भी मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा. फिर आखिर में फारूकी समझ गया कि मैं खड़ा हो गया, तो फारूकी इवेंचुअली टुक द चार्जशीट ऑन हिम. यस, सो इन अ वे कोई किसी का नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस. और बड़े कन्वीनियंटली जैसे यू वेरी वेल सेड कि जब बोरा गया था सब रो रहे थे, बड़ा रो रहे थे, और फॉलोइंग अरीना में जब शिवम तो पैर पड़ता दिन में 10 बार, तो फॉलोइंग अरीना जब करण कुंद्रा ने बोला भी था कि तुमने दो दो बैच क्यों पहने हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम चले जाओ बोरा को, तो शिवम ने पटक चला नहीं नहीं इनको बाहर ही रहने दो. ठीक, दिखावट की दिखावटी बातें हैं. और मैं हंस रहा था, आपने देखा होगा एविक्शन की रात भी मैंने अपने डिपेंड में कुछ नहीं बोला, मैं मन में हंस रहा था कि मैं इससे ज्यादा क्या वोकल हूं. मैंने हर किसी को बोल दिया कि यू गाइस हैव टू, देखिए फारूकी को आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो, फारूकी को निकालने का प्रोसेस है बिकॉज फारूकी की फॉलोइंग इज ह्यूमंगस. तो ऐसे बंदे को आप कैसे निकालोगे, पहले उसके अलायंसेस को तोड़ोगे, उसको वीक बनाओगे तो कुछ होगा. वो तो बिस्तर पे लेटे लेटे से ऐसा ऐसा करता है, उसको मालूम है उसको बिस्तर से उठने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक जगह अंजलि अपना काम करी, एक जगह पूनम अपना काम करी, साइशा तो मुनावर की गेम बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, एक जगह आके रुक गई है, वो कुछ नहीं कर पा रहे. जैसे मैंने आपसे कहा यू नो कि अगर फारूकी के अलायंसेस नहीं हो, अगर उसने लोगों को अपने झांसे में नहीं लिया हो, तो आपको लगता हो शांति से बैठ पाता बिस्तर पे? तो बैठा हो, उसको मालूम इधर बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, एक जगह से अंजलि काम कर रही है, एक जगह से पूनम काम कर रही है, एक जगह से साइशा, और अली भी उसका भक्त बन ही गया था अभी. और विनीत जैसे आपके यू नो आपके बारे में भी अंजलि और पूनम ने, सॉरी नॉट पायल, अंजलि और पूनम ने आपके बारे में कमेंट्स पास किया. आई एम श्योर आपको पता चला ही होगा बाहर आने के बाद कि यू नो आपके लिए वर्ड्स यूज किए गए, टर्की एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन? ओके, नाउ दिस इज वेरी फनी. यू नो द मिनट आई एंटर्ड द लॉकर, आई टोल्ड पूनम, पूनम यू नो वी आर फेसबुक फ्रेंड्स, and we are Facebook friends. अभी भी मेरे Facebook पे पूनम और काफी सालों से है. And I told Poonam, you know what? I have seen your videos, 4-5 videos. I have seen them. I have seen it, man. And I never told her to you know, it was never meant it in rage. Videos ऐसे थे. ना ही मैंने उसको गिरा के बोला, ना ही उठा के बोला. बोला, I have seen your videos, Poonam, because you are my Facebook friend. So this is how I this was my exact statement. It was. I mean, आपके videos देखे हैं. अब मुझे ये नहीं मालूम वो जाके, मैंने पढ़े पेपर्स में, बट टाइम्स में पढ़ा मैंने, कि उसने जाके ऐसा क्यों बोला कि ठरकी वरकी. अरे बॉस, अगर मैंने डिग किया होता तुम्हारे बारे में, अलग से कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखा होता, तो समझ में आता कि यू नो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड. हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हेन यू एंड मी आर फेसबुक फ्रेंड्स, आप कुछ डालोगे तो फीड में दिखेगा, तो मैंने वही बोला. एंड आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड सम ब्राउनी पॉइंट्स अगेंस्ट मी, क्यों देख लिया, इस बात का कोई लेना देना है? मैंने आपके वीडियोस देखे, आपके मुंह पे बोला, ऐसा तो नहीं मैंने किसी और को बोला, मैं तो आई वॉज अ फ्रेंड. तो आई डोंट नो फॉर शी डिड शी से दिस फॉर व्हाट पर्पस एंड ऑल, दैट इज हर परसेप्शन. एंड अंजलि आल्सो जॉइंड हर इन दिस, इफ यू गो टू सी, खाली पहली जो मेरा एंट्री नाइट था, एंड द डे आई एंटर, उसी दिन मैंने सबसे बात की थी, टू अंडरस्टैंड
सो दैट आई कैन प्ले माई गेम. इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने अंजलि के साथ टीम ब्लू में होने के बाद भी 2 मिनट से ज्यादा कभी बात नहीं की रहेगी. अभी आप बोलने को तो कुछ भी बोल दो, मैं तो कुछ भी डाल दू, यू नो दे वर लुकिंग एट मी, यू नो दे हैड हॉट्स फॉर मी, मैं तो कुछ भी बकवास कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट माय वे. आप अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ भी मेरे को लेना देना ही नहीं है. अगर कुछ होता तो मेरी आंखों में दिखता. मतलब सीरियसली स्पीकिंग, आई हैड नो इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द फीमेल कंटेस्टेंट्स, बिकॉज़ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. अगर होता तो मैं टाइम स्पेंड करता अलग से, मैंने तो किसके 2 मिनट ज्यादा बैठा नहीं. इट वॉज पूनम who was telling me in the show, Vinit, let's walk with me, let's walk together, I want to talk to you. So I was the one who said, Poonam, baad mein baat kar. Bola, Poonam, baad mein baat. And never even encouraged her, you know, ki, okay, let's walk. She told me many a times, ki, you know, Vinit, chalo, I want to talk to you, let's walk and talk. Mila, nahi, Poonam, baad mein baat kar. So like, and I don't know why she went on saying all this and... अंजलि ने बोला, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट यू नो टेकन बाय सरप्राइज. बोले हेलो, मेरा तो आप लोग से कुछ लेना देना था ही नहीं. एंड यू नेवर मिसबिहेव्ड विद एनी ऑफ द फीमेल्स इनसाइड द हाउस, कभी आपका वैसा दिखा भी नहीं कुछ. हां मतलब लास्ट थिंग इज टू बी इंटरेस्टेड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हेलो, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. एक पैसे का भी इंटरेस्ट होता तो दिखता, मैं इनिशिएटिव लेता, लोलो पोपो करता. हेलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं उधर आया था कुछ और पर्पस से. आप लोगों को मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है कि भाई बाहर एक ही नाम दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को ब्लाइंड फोल्डेड रहे तो बॉस, देन ओनली गॉड कैन सेव यू. लेकिन भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की करता. तुम लोगों को अपनी मदद करनी नहीं, तुम लोगों को एक ही आदमी का सुनना. सुनो, मैं तो जब गया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं शो जीत तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे किसी को जीतने भी नहीं दूंगा जो यू नो बड़ा प्रेडिक्टेबल हो कि यही जीतेगा. ये मेरे को वो that is something which I seriously don't like. But who do you want to lift the trophy? See, it could be anybody's game. And I'm not sitting here to you know to make this what necessary वो बोलना नहीं चाहता हूँ कि ये है वो. लेकिन having said all that, you know, I would want Zeeshan to lift the trophy. Okay. उसके reasons हैं. उसके लिए तो बाद में आया है मेरे साथ, एंड ही इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर. सी, आई विल नॉट डिपेंड माय सेल्फ बाय सेइंग चलो मैंने टास्क वाज माय वन एरिया जहां पे मैं मेहनत करता था, बाकी मैं हर जगह कीति डाटा, दैट्स मेरे से होता नहीं था वो कि हर जगह घुस सकूं. बट Zeeshan, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, वो हर जगह इन्वॉल्व और खेल रहा है. वो मतलब वो वंदना के पास एक आज के तारीख में वही एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे जाने के बाद. And he is living it up, you know, ki, okay, he's there with her. So, my personally, only reason is because only guy with whom I had a bond was Zeeshan. So, main chahunga, agar koi ye trophy uthaye, to wo Zeeshan. Okay. Quickly, before wrapping up, main ek rapid fire khelungi aur aapko fatafat batana hai ki ye adjective kisko suit karta hai, ye term kisko suit karta hai. Entertainer of lockup. Shivam. चुगली चाची ऑफ लॉकअप. अंजलि. ओके. मास्टरमाइंड ऑफ लॉकअप. मास्टरमाइंड ऑफ लॉकअप राइट नाउ इट विल बी फारूकी. ओके. गुड फॉर नथिंग ऑफ लॉकअप. आई वुड से पूना. ओके. मैनिपुलेटिव किंग या क्वीन of lockup. Anjali. She is the one who manipulates people. She is the one, as I said, you know, process, thinking process to Faruqi ka hota hai. Wo bol ke hat jata hai. Aur execute karne ka kaam wo karti hai. Execute Anjali karti hai. Aisa waisa ye जिसके पास कभी कोई पावर हो जाए आ जाएगा तो अंजलि आप दिखाई देखते रहोगे. आप अंजलि उसके पास जाके बैठ जाती रहेगी, स्वीट होना शुरू करेगी. सो अंजलि. जिगरी दोस्त ऑफ लॉकअप. माय जिगरी दोस्त वाज Zeeshan. जिगरी है कि जो भी Zeeshan, जहां तक Zeeshan लॉकअप लॉकअप केस लॉकअप Zeeshan. टॉप टू अकॉर्डिंग टू विनीत ऑफ लॉकअप. हु कैन लिफ्ट द ट्रॉफी, आई थिंक इट विल बी इधर Zeeshan और अंजलि. थैंक यू सो मच विनीत, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you. Bye. Take care. Bye.